नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में चुनावी हलचल के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की मैया सम्मान यात्रा और भारतीय जनता पार्टी की गोगो दीदी योजना की काफी चर्चा है, और विशेष रूप से इस वीडियो में हम बीजेपी की गोगो दीदी योजना के बारे में बात करेंगे, जिसके फॉर्म जो है वो भरवाने बीजेपी ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच एक नया मामला सामने आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में शिकायत लेने के बाद सभी उपायुक्तों को आदेश दिया था कि आचार संहिता के तहत जो चुनाव आयोग का जो फैसला है, चुनाव आयोग के जो नियम है, उसका पालन होना चाहिए और पालन नहीं करने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अब इस पर बीजेपी के जो झारखंड चीफ हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने पलटवार कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है और मुख्यमंत्री का यह बयान उनकी समझ से परे है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी हैं, मदन के साथ जुड़ेंगे। मदन, बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दिया है गोगो दीदी योजना को लेकर, एक और जहां सीएम हेमंत इस पर कार्रवाई का आदेश देते हैं, उसके बाद बाबूलाल मरांडी एक बड़ा बयान देते हैं। वो कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम घर जाकर खुद फॉर्म भरवाएंगे। देखिए, बिल्कुल, अब चुनाव जो है वो बहुत नजदीक है, कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। लेकिन अब एक जो मामला सामने आया है उसमें ये है कि दोनों जो पक्ष और विपक्ष है वो जनता के बीच एक योजना को लेकर जाना चाहती है। वो है सत्ता पक्ष के द्वारा मैया सम्मान योजना है, और दूसरा जो विपक्ष है वो गोगो दीदी योजना के माध्यम से जनता के बीच में अपने पहुंच बनाना चाहती है। लेकिन इसी को लेकर के अब टकराहट की स्थिति जो है वो आमने सामने दिख रही है। दरअसल बीजेपी के घोषणा के बाद बीजेपी ने पंच पत्र जो है वो जारी किए और उसके बाद इस योजना को लागू करने के लिए एक फॉर्म जारी किया और वो अपने कार्यकर्ताओं को महिला के पास जाकर के भरवाने का एक अभियान चलाया है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा ये पहले जेएमएम ने यह आपत्ति दर्ज कराई कि जो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस हैं उसके तहत चुनाव से पहले जो है किसी भी तरह के सर्वे या कोई फॉर्म फिलअप नहीं कराए जा सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को आदेश दिया कि आप इस तरह के काम अगर कहीं भी होते देखते हैं जो कि असंवैधानिक है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद, रीट्वीट के बाद, जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता विश्व शर्मा और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, उन्होंने रीट्वीट करते हुए कहा कि झारखंड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश हो रही है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कोई भी असंवैधानिक काम नहीं किए जा रहे हैं, ये पार्टी की आजादी है कि वो किसी भी तरह के फॉर्म भरवा सकती है। अब इस पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने खुली चुनौती दी है और अब वो समय भी घोषित कर दिया गया है कि आज ही के दिन वो एयरपोर्ट के पास जा करके खुद से फॉर्म भरवाएंगे गोगो दीदी योजना को लेकर के। अगर उन्हें ऐतराज है, सरकार को ऐतराज है, तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। तो अब सीधी टकराहट की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है सरकार और विपक्ष के बीच में। ये गोगो दीदी योजना और मैया योजना को लेकर के है, इसका क्रेडिट जो है वो दोनों लेना चाहती है। बीजेपी कह रही है कि हमारी जो और प्रदेश में सरकार है वो पहले से इस तरह की योजना लागू कर चुकी है और हेमंत सोरेन की सरकार ने कॉपी किया है। अब जो सत्ता पक्ष है उनका ये कहना है कि हमने इस योजना को यहाँ लॉन्च किया, बीजेपी गोगो दीदी योजना कॉपी कर रही है और उसके राशि भी बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन इसी में एक और मामला आया है सामने कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि केंद्र सरकार के पास हमारे काफी पैसे बकाए पड़े हैं, अगर वो मिल जाए तो हम 5,000 रुपए तक भी दे सकते हैं या 2,500 रुपए तक दे सकते हैं। तो ऐसे में ये जो चीजें सामने आई है, अब ये है कि एक तरफ जो तमाम उपायुक्तों को आदेश मिला और उसके बाद अब जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद से फॉर्म भरवाने की बात की है, तो देखना होगा कि इस पर कानून सम्मत जो कार्रवाई है वो होती है या फिर ये सियासत बनकर रह जाती है। चलिए, तो चुनावी हलचल के बीच जेएमएम की मैया सम्मान योजना और बीजेपी की गोगो दीदी योजना के बीच टकराहट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, और अब इस पूरे मामले में बीजेपी चीफ झारखंड के बाबूलाल मरांडी खुद आगे आ गए हैं और बीजेपी की गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए उन्होंने एयरपोर्ट के जगह को चुना है। और आज देखना होगा
कि उनके इस फैसले के बाद अब आगे क्या होता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बाइस्कोप के साथ। नमस्कार।